आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे आदरणीय चाचा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी और क्रांतिकारियों की इस धरती को सबसे पहले सादर नमन। इसी माटी से मैं भी पैदा हुआ और यहाँ से राजधानी का सफर हुआ। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे सहपाठी भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस मातृभूमि को नमन, इस मातृभूमि ने हमें पैदा किया। साथियों, अभी हमारे पत्ता भी बोल रहे थे हमसे पहले, तो उन्होंने कहा उनका नाम बता दीजिए। इतना कहूंगा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि ये आंदोलन जो आप सब कर रहे हैं, और बलिया के हमारे साथी, सारे विभागों के साथी पहले तो बधाई के पात्र हैं कि वो एक साथ एक मंच पर आकर एक साथ इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, जब गांधी जी ने कहा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब इस धरती ने बरतानिया हुकूमत को हिलाने का काम किया। ये वो धरती है जो बलिया से जल्दी मैं चुनाव लड़ रहा था प्रदेश का, तो मैं मेरठ में गया, तो मेरठ के साथियों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं सबसे पहले उस जगह जाना चाहूंगा जहां मेरे पूर्वज शहीद हुए हैं, पहले मैं उस स्थान को नमन करूं, तब मैं आगे का काम करूंगा। साथियों, ये मंगल पांडे से लेकर चिट्टू पांडे तक की धरती है, बलिया से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर बलिया तक पूरा उत्तर प्रदेश है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश अकेले अगर कहीं है तो वो इसी बलिया में है। ये हम सब मानते हैं और बलिया सबसे मजबूत है। साथियों, और लंबा चौड़ा भाषण देने की जगह पे हमारे कई साथी कर रहे थे, हमारी एक मांग है। अरे कोई मांग है, कोई सरकार से मांग थोड़े कर रहे हैं। हम तो सरकार को बता रहे हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जो ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, तो जीरो टॉलरेंस उसका कहाँ है ये सरकार बता दे, ये सिखा दे। अगर है तो इतने सारे लोग घर में बच्चों बैठे हैं, ये सरकार बता दे। ऐसा नहीं लोग सुनते हैं और सरकार के पास सरकार की सूचना ना पहुंच रही हो। साथियों, सरकार के पास सारी सूचनाएं होती है, लेकिन एक बात का वादा है यहां से जाने के बाद लखनऊ, इस बात का वादा है कि सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, निश्चित रूप से कल से परसों तक आपकी बात उनके पास तक भी पहुंच जाएगी। तो सरकार चलाते हैं और उनसे बता दिया जाएगा कि आप चलाते हो और बलिया की समस्या का समाधान नहीं हुआ, अराजक साथी अराजक तत्व अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, जीरो टॉलरेंस की नीति लागू नहीं हुई, तो लखनऊ की सब जमीन पर भी आंदोलन होगा। इस बात का वादा है, आंदोलन केवल बलिया का नहीं रहेगा, यह आंदोलन लखनऊ की सरजमी पर भी होगा। और संचालन के रूप में अभी ये बताया जा रहा था कि परीक्षाओं की बात हो रही थी और हम उम्मीद करते हैं कि अब परीक्षा भी होने वाली है और विश्वविद्यालयों की परीक्षा होने वाली है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो परीक्षाएं बंद होंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय की, राजधानी के विश्वविद्यालय की परीक्षा बंद होगी। इस बात का आपके बीच वादा करके जा रहे हैं, परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं तब होंगी जब यहाँ हमारे साथियों के समस्या का समाधान होगा। और साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब जब हम सब ने आंदोलन किया, चाहे वो प्रदेश के लिए हो, इस बात का वादा और हमेशा इतिहास गवाह रहा कि उत्तर प्रदेश में एक नई हलचल आई, तो ये मान के चलते हैं कि बलिया की समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मन का आदेश होने लगता है, कुछ विशेष बात है। इस बात का वादा कि परीक्षाएं बंद होंगी लखनऊ विश्वविद्यालय की, इसे कोई रोक नहीं सकता, और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, निर्णय आप कर ले आंदोलन कितने दिन चलेगा, और यदि आप सब चाहे तो इस आंदोलन में यही रुक करके यहीं से आंदोलन का संचालन लखनऊ में भी किया जा सकता है। पर भाई भी जानते हैं और संगठन आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि दमदारी के साथ हमारा बलिया आज भी वही है जो बरतानिया हुकूमत के समय था। और आज भी अगर लोकतंत्र में कोई बरतानिया हुकूमत की तरह व्यवहार करेगा तो आज भी हमारा जिला वैसा ही है जैसा उस समय था। साथियों, बहुत बड़ी बात में कहते हुए अंत में बस इतना कहूंगा कि आपके बीच वादा करके जा रहा हूँ, कल से परसों तक आपकी बात
कम से कम एक डिप्टी सीएम तक तो पहुंच जाएगी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो। ज्ञापन अगर ज्ञापन अखिलेश भाई देना कोई चाहे तो दे दीजिए, आपका ज्ञापन सरकार के डिप्टी सीएम तक कल या परसों में जब वो मौजूद रहेंगे पहुंच जाएगा। इस बात का वादा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिल गए तो उनके पास तक आपकी सूचना पहुंच जाएगी, ज्ञापन पहुंच जाएगा, इस बात का भी वादा है। अगर वो लखनऊ में रहे तो होम सेक्रेटरी और डीजीपी से कल से परसों तक इस बात का पर चर्चा हो जाएगी, और यदि नहीं मानते हैं तो लखनऊ की सड़कों पर भी हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, इसका भी वादा मैं करूंगा। है तो आइए और काफी जांचिए और रिजल्ट भी घोषित करिए। इन शिक्षकों को अगर आपने परीक्षा के दौर में डाला है तो आइए रिजल्ट भी दीजिए। मगर वो अभी मैंने पता लगाया था कहीं दूरस्थ तो मीटिंग में चली गई है, सुनाता तो लिया जहां भी बात में कहते हुए अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके बीच वादा करके जा रहा हूँ, कल से परसों तक आपकी बात कम से कम एक डिप्टी सीएम तक तो पहुंच जाएगी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो। ज्ञापन अगर ज्ञापन अखिलेश भाई देना कोई चाहे तो दे दीजिए, आपका ज्ञापन सरकार के डिप्टी सीएम तक कल या परसों में जब वो मौजूद रहेंगे पहुंच जाएगा, इस बात का वादा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिल गए तो उनके पास तक आपकी सूचना पहुंच जाएगी, ज्ञापन पहुंच जाएगा, इस बात का भी वादा है। अगर वो लखनऊ में रहे तो होम सेक्रेटरी और डीजीपी से कल से परसों तक इस बात का पर चर्चा हो जाएगी, और यदि नहीं मानते हैं तो लखनऊ की सड़कों पर भी हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, इसका भी वादा मैं करूंगा। आंदोलन आप चलाए तब तक जब तक इसका परिणाम न निकल जाए, ताकि इस बात को फिर से हम सब दमदारी से साबित कर दे कि बलिया के साथी जो तय करते हैं निश्चित रूप से उसे करके दिखा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना प्रशासन हो उसमें आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिना प्रशासन हो उसमें आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिना प्रशासन हो उसमें आओ, होश में आओ। जय हिंद, जय भारत। आंदोलन का यह ध्यानाकर्षण रैली अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सतीश चंद महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और अपने गंतव्य स्थल जिलाधिकारी बलिया के कार्यालय तक पहुंची। चलो, लेकिन जिसका अनुमान ही नहीं, हम सबको विश्वास भी था कि अक्सर जब प्रशासन अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है, गलत लोगों को प्रश्रय देना चाहता है, तो जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनको तंग करने का भी प्रयास करता है। और उसकी यह प्रथम मिसाल आपने देखा कि आपके इस शांतिपूर्ण रैली को, जिसमें आज 6,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया, पूरी अपनी दूरी को इस रैली में पूर्ण शांति के साथ प्राप्त किया, तय किया। लेकिन बाहर जनपद का प्रशासन जो अपनी कुत्सित मानसिकता से बाज नहीं आया, और जहां तक ये हमारी समस्याओं को दूर करके उनके निदान का प्रयास करेगा, अपने सहयोग स्वरूप जो दरी यहां पीछे हुई थी उसको भी हटा दिया।